नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आएंगे, ताकि इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अब आपके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बहुत बड़ी अपडेट जस्ट अभी अभी आई है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें जी सीईटी का शेड्यूल आपका जारी हो चुका है। इसमें कोई फेक नहीं है बट जेन्युइन है, पूरी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। पहले जो डिस्कशन हो रही थी एनटीए और हरियाणा की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बीच में और सरकार के बीच में, भी एक ही दिन में दो शिफ्टों में एग्जाम करवाया जाएगा, बट अभी तक जो है 12 लाख के करीबन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और गवर्नमेंट और भी डाटा कलेक्ट कर रही है। जैसे कलेक्ट हो जाएगा तो डेट आपको एक दिन की बजाय अब 2 दिन डेट फाइनल कर दी गई है, जिनमें से पूरी पूरी देख सकते हो शेड्यूल जारी है। 17 और 18 तारीख को आपकी एग्जाम होगा, आपकी परीक्षा होगी सेप्टेम्बर में। जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है वो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें करीबन करीबन आपको दिखा भी देते हैं, जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं 82% कैंडिडेट ने, 82.4% कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए हैं, और इनमें से काफ़ी तादाद में जो कि फॉर्म बीच में अटक गए हैं, वेरीफाई नहीं हुए हैं, फीस नहीं पेमेंट हुई है, और वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कौन कौन से सिलेक्ट हुए हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो शाम तक इवनिंग तक आपके साथ शेयर कर देंगे भी कौन कौन से फॉर्म सिलेक्ट हुए हैं। मेन बात है जी, एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। पहले अनाउंस हो रहा था भी 1-2 दिन में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा दो शिफ्टों में, बट अब पहले एक दिन में एक शिफ्ट, दूसरे दिन में दूसरी शिफ्ट, यानी कि 2 दिन में दो शिफ्टें होगी। 6 लाख पहले कैंडिडेट, 6 लाख बचे नेक्स्ट डे कैंडिडेट का एग्जाम लिया जाएगा, और ये नवंबर की 10 तारीख तक, यानी कि 1.5 महीने तक आपका रिजल्ट भी आउट कर दिया जाएगा। अभी तक लेटेस्ट ये न्यूज है, ठीक है। इसमें प्रूफ के तौर पर आपको पूरी की पूरी न्यूज दिखा देते हैं। प्रूफ के तौर पर ये देख सकते हो, ये पूरी की पूरी डिटेल है जो कि चंडीगढ़ में भी होगा, आपका सीटी का एग्जाम होगा जी, ये चंडीगढ़ में भी फाइनल और डिक्लेयर हो चुका है, जो कि आज एनटीए और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की और भोपाल खत्री साहब की पूरी मीटिंग हुई है इसके रिगार्डिंग। तो ये डिटेल फाइनल हो चुकी है, अभी चंडीगढ़ में भी आपका एग्जाम होगा, 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी यानी कि सीटी टेस्ट को लेकर तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं, जो कि चंडीगढ़ में भी होगा। कुल सीटों का पता लगाया जा रहा है भी कौन कितने फॉर्म है, करीबन करीबन 12 लाख के करीबन फॉर्म है, वो डिटेल आपके साथ पूरी शाम तक शेयर कर देंगे भी कितने फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, कितने किस कैटेगरी के कितने फॉर्म हैं, किस स्टेट से कितने फॉर्म आए हैं, ठीक है जी। और चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जो नए बने हैं ने के साथ वीसी की है, और अपने अपने जिलों में से सीटों का ब्यौरा जल्द से जल्द देने को कहा है, ताकि परीक्षा को लेकर पूरी की पूरी परीक्षा आयोजित की जाए और एनटीए के साथ एक संयुक्त बैठक की जा सके। पहले ये संजीव कौशल जी की तरफ से नोटिस जारी हुआ है भी आप पहले पूरा पूरा डाटा दीजिए अपने स्टेट वाइज, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा दोगे, डाटा कलेक्ट करके पूरे का पूरा भी हमारे पास इतने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, इनमें से इतने कैंडिडेट आएंगे ही आएंगे, तो उसको लेकर फिर एनटीए के साथ बैठक की जाएगी, ठीक है जी। फिर और भोपाल सिंह खत्री एचएसएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री ने परीक्षा के लिए अब तक करीब 12.34 लाख, देख सकते हो 12 लाख के प्लस में मैंने बताया, 12.34 लाख लोगों ने आवेदन किया है। परीक्षा को लेकर पहले एनटीए के साथ बैठक होगी और यह परीक्षा दो शिफ्टों में होगी, 1 दिन की बजाय 2 दिन में पूरी कराई जा सकती है, हो सकती है, यानी कि यह फाइनल है। इसका पूरा शेड्यूल बैठक के बाद ही जारी किया जाएगा, परीक्षा की तारीख बैठक के बाद ही तय की जाएगी, और जो कि आपको एनटीए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की करवाएगी, जो कि प्रदेश सरकार को, हरियाणा सरकार को, और एग्जाम के करीबन करीबन 1 से 1.5 माह के बीच में परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 1 से 1.5 महीने के बीच बीच में आपका एग्जाम रिजल्ट, जो कि एस्टिमेटेड डेट बात करें तो 17 से 18 सितंबर बनती है, क्योंकि इन्होंने पहले 17, 18, 19 और 24, 25, 26 उसका शेड्यूल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया था,
भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, सभी जो कि इस शिक्षक संस्थान है सभी को फॉरवर्ड किया था इनमें से कौन सी डेट है। और करीबन करीबन ये डेट 17-18 फाइनल की गई है, जो कि एक में एक दिन में और आधे दूसरे दिन में किए जाएंगे, और 10 नवंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें कोई भी ढील नहीं है, कोई भी इसमें वो कह लें लेट नहीं है, कोई चांस नहीं है। जिन्होंने फेस फिलअप कर दिया, जिनका रह गया है वो आपको किन किन का फॉर्म रह चुका है, किन किन कैंडिडेट्स का रह चुका है, ये सारी की सारी डिटेल शाम के नोटिस में आपको दे दी जाएगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, ये किन किन कैंडिडेट ने भरा है, कहाँ से कितने फीस भरी है, कितने फिलअप हुए हैं, सारी की सारी डिटेल शाम को प्रोवाइड आपको इस चैनल पर करवा दी जाएगी। इसी तरह की और भी बिग लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई भी फेक नहीं, जेन्युइनली पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की जाती है। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। थैंक यू वेरी मच।